Mukhtar, Senior Advocate, ex-PP Session Court, Senior Leader, PDP Punch. हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक मिस्टर विक्रम रंधावा एक्स MLC BJP जो है उन्होंने जो गलत बयानी की है, जो गलत स्टेटमेंट दी है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है हर्ट किया है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में जो है बात की है, उस हवाले से हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। ये एक मेरे हिसाब से या तो जहनी मरीज आदमी है, या एंटी नेशनल आदमी है, या कोई गुंडा अनासर है, या ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन की शह है। इसको ये पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, वो तो दिन रात सेकुलरिज्म का जपते हैं, दिन रात के हम सेकुलर हैं, और काफी सारे बीजेपी के जो है नेता हैं वो सेकुलरिज्म की बात भी करते हैं। स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना है, वो भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। लेकिन अगर आज एक दिन या दो दिन से इस शख्स ने ऐसा बयान दिया, मुस्लिम कम्युनिटी को पर्टिकुलरली जो है हर्ट किया, मुस्लिम ये कानून का मुजरिम है, जैसे दूसरे लोगों के साथ होता है, इसने एक सेंटीमेंट को हर्ट किया है। मैं तो कहता हूँ बहसीते वकील के इस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए। पहले ही मुल्क के ये हालात चल रहे हैं, पहले ही स्टेट के ये हालात चल रहे हैं, और ऊपर से ऐसे अनासर जो हैं और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? एक क्रिकेट मैच, भाई क्रिकेट मैच बच्चों का खेल होता है, टीनेज लोगों का खेल होता है। कोई 10 रनों से हार गया, कोई 10 रनों से जीत गया, फिर कौन सा पहाड़ टूट गया? आज अगर हम हार गए कल जीत जाएंगे। दूसरी बात, ये हमें बार बार हिंदुस्तानी बनने का सबूत हमसे मत मांगे। एक बात मैं वजह कर दूं, हर बार ये तिरंगा 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 कहते हैं, हिंदुस्तान भारत कहते हैं, ना तिरंगा किसी के बाप का है, ना हिंदुस्तान किसी के बाप का है। ये अनपढ़ लोग हैं, अगर ये पढ़े लिखे लोग हों, ये तारीख के पन्ने खोलें कि तिरंगा हिंदुस्तान का जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसको डिजाइन किसने किया है? इसको डिजाइन मिसिज सुरिया बदरुद्दीन तेजी, शिवाज मुस्लिम लेडी, जिसने इसको डिजाइन किया था। और जिस किले पे जाके योम आजादी या किसी बड़े दिन हम ये तिरंगा लहराते हैं, हमारे प्रधानमंत्री या सदर लोग ये तिरंगा लहराते हैं, वो लाल किला किसने बनाया है? वो कहां से आया है? वो भी मुस्लिम मुगलिया सल्तनत की तामीर है। ये हिंदुस्तान हमारा है, ना कि किसी के बाप का है, और हमें बार बार हिंदुस्तानी बनने का सबूत मत मांगा जाए। हम इस चीज की सख्त मजम्मत करते हैं, और हम प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट बीजेपी, ऑल इंडिया को ये अपील करते हैं कि इस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त पार्टी लेवल पर और कानूनी जो है कार्रवाई की जाए। इस पे कम से कम PSA लगना चाहिए, जैसे छोटे 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 मसलों में बाकी हमारे लोगों में PSA लगा देते हैं, बाकी FIR लगा देते हैं। अगर कश्मीर में या जम्मू में हमारी स्टेट के किसी हिस्से में कोई मैच में कोई तबसरा हुआ, कोई कुछ हुआ, उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, इस बंदे ने उठ के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हमारी बीवियों को गिना, हमारी बहनों बेटियों को गिना, और ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज से गिना, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? एक चीज, हम एक रिटर्न कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में दायर करने जा रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी हम जुडिशियल को इस्तेमाल करेंगे फॉर लॉजिंग FIR अगेंस्ट दिस पर्सन। एक छोटा सा हवाला मैं और दूंगा, आजकल हमारे जम्मू के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे BJP से हो, चाहे किसी और जमात से हो, इकट्ठे होके जम्मू 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 का नारा दे रहे हैं। ये जम्मू का करने क्या जा रहे हैं? कोई बेचने जा रहे हैं, कोई खुशहाली लाने जा रहे हैं, कोई स्टेट बनाने जा रहे हैं? हम पुंछ रजौरी वाले कहाँ हैं? हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? क्या हमारे किसी लीडर को पूछा गया, हमारे किसी आम इंसान को कंसल्ट किया गया कि हम जाके जम्मू 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 कर रहे हैं? मैं आपको ये वजह कर दूं कि पुंछ रजौरी इज पार्ट ऑफ जम्मू डिवीजन, जम्मू प्रोविंस, कश्मीर हमें बाद में है, हम जम्मू का हिस्सा है। हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए, हमें कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर कोई भी फैसला न किया जाए, और पुरअमन माहौल जो है वो कायम किया जाए। ऐसे अनासरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो जो मजहबी गैर रवानदारी पैदा करते हैं, जो और किस्म के तनाजे पैदा करते हैं, जो और किस्म के झगड़े समाज में पैदा करते हैं।